नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत के नए एपिसोड में, जिसका नाम है झारखंड हलचल, जिसमें हम आपको अपडेट रखेंगे झारखंड से जुड़ी तमाम हलचल के बारे में और आपको इससे जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। आज हम आपको बताएंगे झारखंड में नए लैंड म्यूटेशन बिल के बारे में और ये भी बताएंगे कि आखिर यह लैंड म्यूटेशन बिल है क्या और क्या है इसके प्रावधान। राज्य सरकार ने तैयार किया झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 का बिल। झारखंड राज्य में अब सीओ सहित राजस्व से जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। यह प्रावधान झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के लिए तैयार किया गया है। इस बिल में कैबिनेट की सहमति भी मिल चुकी है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बिल को पेश कर पारित कराया जाएगा। सरकार ने क्यों किया इस बिल को बनाने का फैसला? सुभद्रा देवी वर्सेस झारखंड सरकार और अन्य के मामले में म्यूटेशन और जमाबंदी के मामले में उभरे विवाद के वजह से राज्य सरकार ने म्यूटेशन एक्ट बनाने का फैसला किया था और इससे संबंधित बिल भी तैयार किया है। आपको बता दें कि पहले भी दो बार बिल पेश किया गया था पर उसे नामंजूर कर दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि लैंड म्यूटेशन एक्ट से क्या लाभ है और इसके क्या प्रावधान हैं। इस बिल के विधानसभा से पारित होने के बाद जमाबंदी की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और ऑनलाइन जमाबंदी की प्रक्रिया को भी मान्यता मिल जाएगी। अवैध और दूसरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार सीओ के पास होगा। पहले यह अधिकार एलआरडी के पास था, पहले अपील के लिए सरकार के पास जाना पड़ता था, लेकिन इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद डीसी के यहाँ अपील और कमिश्नर के यहाँ पिटीशन दायर किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। इस एक्ट में क्या है प्रावधान? पहले फिजिकल प्रोसेस था, अब सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे लोग घर बैठे ही समय पर काम करवा सकते हैं। अब राज्य सरकार के किसी भी टेंडर में कोई भी ठेकेदार शेड्यूल रेट से 10% नीचे जाकर भी ठेका प्राप्त कर सकेगा। अधिकारियों के कार्य निष्पादन की समय सीमा तय कर चुकी है। अगर यह समय सीमा पर म्यूटेशन से जुड़े कार्य निष्पादित नहीं करते तो उन्हें उसका कारण बताना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेट रख सके झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। जीएन भारत में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।